यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग? एंड वेलकम बैक हो चुका है आप सभी का देयर ऑफ परमैन सीजन 2 के 7th एपिसोड के अंदर। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो गाइस, लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हम सब ने देखा कि बर्डमैन परमैन के ऊपर हमला करता है और जिससे परमैन को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। परमैन की बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और ब्लैक परमैन उस जगह पर एक मेडिसिन अप्लाई करता है जिसकी मदद से खून बहना तो रुक जाता है, लेकिन परमैन अनकॉन्शियस हो गया था और बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून ऑलरेडी बह चुका था। और जैसे ब्लैक परमैन उस खून को रोकता है, वही दूसरी हाथ पर ब्लैक परमैन एक डिवाइस अटैच करता है परमैन के केप पे। तो जैसे ही परमैन को हेडक्वार्टर्स में लेके जाते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमैन के ऊपर ट्रीटमेंट शुरू होता है। उसका हेलमेट निकाला जाता है और तभी बर्डमैन कहता है कि हमें बस इस हेलमेट से काम था, इस बच्चे से हमें कोई भी मतलब नहीं है, फेंक दो इसे स्पेस में। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि ये आप क्या कह रहे हो बर्डमैन, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मर जाएगा। तो तभी बर्डमैन कहता है कि इसे रख के भी क्या करोगे तुम, ये ऑलरेडी मर चुका है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पे जब ब्लैक परमैन बर्डमैन से बात कर रहा था, उसी टाइम पे पीछे से वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा था वो चले जाता है और परमैन को उठाता है और जल्दी से एक स्पेस कैप्सूल में डाल देता है उसे और लॉन्च कर देता है। तो तभी सभी परमैन ज़ोर से चिल्लाते हैं परमैन, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी वो स्पेस कैप्सूल लॉन्च हो चुका था। तो हम लोग देखते हैं कि जल्दी से सारे परमैन और ब्लैक परमैन अपना स्पेसशिप निकालते हैं और जल्दी से परमैन के स्पेस कैप्सूल का पीछा करने लगते हैं। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचते हैं, हम लोग देखते हैं कि परमैन का स्पेस कैप्सूल गायब हो चुका था, वो बहुत दूर चला गया था। और उसके बाद आगे, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्ड प्लैनेट पे बर्डमैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब बर्ड प्लैनेट हमारे हाथ में है और अब ये टाइम आ चुका है बर्ड प्लैनेट पे जो भी सीक्रेट्स हैं उन सारे सीक्रेट्स को ढूंढ निकालने का, और एक बार उन चीज़ों का पता चल गया तो इसके बाद दुनिया हमारे कब्ज़े में होगी। तो उसके बाद बर्डमैन डीमंस के डायमेंशन में एक कॉन्टैक्ट करता है और जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हीरोमा वहाँ पर कॉल उठाता है और तभी डुप्लीकेट बर्डमैन हीरोमा से कहता है कि प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है, परमैन मर चुका है, अभी तुम लोग बर्ड प्लैनेट पे आ सकते हो, हमें जिससे मतलब था वो हमारे हाथ में है, परमैन का हेलमेट। तो तभी हीरोमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और रियल बर्डमैन से कहता है कि सुन लिया बर्डमैन, ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तुम लोग हार गए हो। तो तभी रियल बर्डमैन कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इसके बाद वो आदमी जिसने बर्डमैन का रूप ले रखा है वो कहता है कि ये बर्डमैन इतना तगड़ा एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, वैसे भी मैंने इनको बताया सब कुछ, इनको क्या लग रहा है इनका प्लान अभी एग्जीक्यूट हो चुका है, तभी भी हम लोग एक रिस्क पे चल रहे हैं, इन लोगों ने अगर बर्डमैन को स्पेस में भेज दिया मरने के लिए तो यस, कुछ चांस बनता है कि बर्डमैन मर भी जाएगा, लेकिन अगर ब्लैक परमैन ने उसके केप में वो डिवाइस अटैच किया है तो वो ज़िंदा बच जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है उसने किया रहेगा। लेकिन इसके बाद परमैन कहाँ पर जाएगा इसका कोई भी आइडिया नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दूर भी जा सकता है और एक बार उसे पता चल गया कि क्या हो रहा है यहाँ पर और वो डिवाइस एक बार एक्टिवेट हो गया तो यस, हमें परमैन का लोकेशन वापस से मिल जाएगा और हम लोग उसे वापस ला सकते हैं। तो इसके बाद हीरोमा कहता है कि अभी बर्ड प्लैनेट का सीक्रेट बाहर निकालने का टाइम आ चुका है, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा ना बर्डमैन। तो तभी रियल बर्डमैन कहता है कि तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो तभी हीरोमा कहता है कि तुम्हें एक्चुअली नहीं पता बर्ड प्लैनेट पे क्या सीक्रेट है। तो तभी रियल बर्डमैन कहता है कि नहीं, क्या है उसका सीक्रेट। तो तभी हीरोमा कहता है कि वैसे भी तुम्हें बता के कोई फ़ायदा नहीं है, तभी भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो सुनो बर्डमैन, बर्ड प्लैनेट बस एक प्लैनेट ही नहीं है, वो पूरा का पूरा प्लैनेट एक टाइम मशीन भी है। तो तुम्हें तो वो पूरी की पूरी हिस्ट्री भी पता होगी बर्ड प्लैनेट की, वो काली शक्तियों का हमला याद आ रहा है कुछ, वो हमला कोई बाहर से नहीं किया गया था, वो बर्ड प्लैनेट के अंदर से हमला हुआ था। बर्ड प्लैनेट पे एक और चीज़ एग्जिस्ट करती है, पैरेलल यूनिवर्स पोर्टल, जिसकी मदद से बर्ड प्लैनेट एक डीमन की डायमेंशन से कनेक्ट हुआ था उस टाइम पे, और उसी पोर्टल से वो डीमन्स बाहर निकले थे और वो सबसे ख़तरनाक हमला हुआ था और उन सारे लोगों को ख़त्म करने के लिए बर्ड प्लैनेट का टाइम रिवर्स किया गया था। बर्ड प्लैनेट पे जिस आदमी का स्टैचू है
बर्ड म्यूज़ियम के अंदर। वो वही आदमी है जिसने बर्ड पैट के टाइम को रिवर्स किया था और बर्ड पैट को बचाया था और बाद में उस पैरेलल यूनिवर्स पोर्टल को बंद कर दिया। और इसी पोर्टल को सीक्रेट रखने के लिए इन परमानेंट सेट का इन्वेंशन हुआ था। परमानेंट सेट एक की है जिसकी मदद से पैरेलल यूनिवर्स पोर्टल को खोला जा सकता है और यही परमानेंट का हेलमेट एक की जैसा एक्ट करेगा और यही परमानेंट का हेलमेट पोर्टल को एक्टिवेट करेगा। बस परमानेंट का हेलमेट ही नहीं लगने वाला इसमें, और 6 लोगों का परमानेंट सेट चाहिए। तो तभी रियल बर्डमैन कहता है कि ये सब क्या है, बर्ड पैट एक पूरा का पूरा टाइम मशीन है, ये कैसे पॉसिबल है और ये पैरेलल यूनिवर्स पोर्टल एग्जिस्ट कैसे करता है? इसके बारे में तो मैंने बस किताबों में पढ़ा है, ये पोर्टल रियली में एग्जिस्ट करता है वो भी बर्ड प्लेट पे, ये कैसे पॉसिबल है? हीरोमा तुम क्या चाहते हो, तुम इस पोर्टल को एक्टिवेट करके करने क्या वाले हो? तो तभी हीरोमा कहता है कि तुम्हारा इससे कोई भी मतलब नहीं है बर्डमैन, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, इससे बर्ड प्लेट का ही फायदा है। तो इसके बाद वो आदमी जिसने परमानेंट का रूप ले रखा है वो मन में ही कहता है कि ये तो मुझे पता है कि परमानेंट का हेलमेट इसमें लगने वाला है, इस पोर्टल को खोलने में मदद करेगा ये हेलमेट, लेकिन और 6 लोगों को ये कहाँ से ढूंढेगा, ये देखने वाली बात है। मुझे पता है वो 6 लोग कौन है, लेकिन मैं थोड़ी बताने वाला हूँ इसको। अच्छा हुआ कि इन लोगों को कुछ नहीं पता मेरे बारे में कि मैं खुद एक टाइम ट्रैवलर हूँ। इनको तो लग रहा है कि मैं बस एक एजेंट हूँ बर्ड प्लेट का। कोई बात नहीं, मैं ये चीज़ें बर्डमैन को भी नहीं बता सकता, नहीं तो बर्डमैन खुद हैरान हो जाएंगे, जाने दो। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर अर्थ पे चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पाको और बूबी अभी भी हॉस्पिटल में रहते हैं, उनके ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वहाँ पर परमान का रोबोट भी रहता है। तो तभी तो पाको कहते हैं कि ओ शिट, पायान किधर है? वो उस पोर्टल में चला गया लेकिन वापस कभी आया नहीं, उसके साथ तो कॉन्टैक्ट भी नहीं हो रहा। बूबी तुमने तो कुछ देखा होगा। तो हम लोग देखते कि बूबी बस अपना मुंडी हिलाता है, वो बस नहीं कहने की कोशिश करता है। तो तभी पाको कहते कि नहीं तुमने भी नहीं देखा, अब हम लोग उसे वापस कैसे लाएंगे क्योंकि वो पोर्टल भी गायब हो चुका है। तो तभी रोबोट कहता है कि किस पोर्टल की बात कर रहे हो तुम, उसी पोर्टल की बात कर रहे हो क्या जिससे वो आदमी बाहर आया था? तो तभी पाको कहते कि हाँ। पाको तुम ये क्या कह रही हो, पायान उस पोर्टल के अंदर चला गया? तो तभी पाको कहते कि हाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या, तो अब पायान वापस कैसे आएगा? तो तभी पाको कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो पोर्टल वापस कैसे खुलेगा, वो बस एक ही बार खुला और वापस से चला गया, अभी हमारे पास वेट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको के बैच पे एक सिग्नल आता है और उसमें से कुछ रेडियो जैसा आवाज़ आ रहा था, कुछ स्पेसशिप जैसी आवाज़ आ रही थी और थोड़ी टाइम में वो आवाज़ भी चली जाती है। तो तभी पाको कहते हैं कि ये आवाज़ कैसी थी, रोबोट तुम्हें कुछ पता है इस आवाज़ के बारे में? तो तभी रोबोट कहता है कि हाँ कुछ स्पेसशिप जैसी आवाज़ थी, बर्डमैन की स्पेसशिप की भी ऐसे ही आवाज़ आती है। तो तभी पाको कहते हैं कि कुछ तो हुआ रहेगा वहाँ पर, बर्ड प्लैनेट पे कुछ ना कुछ तो ख़तरनाक चीज़ हो रही है क्योंकि कुछ कॉन्टैक्ट भी नहीं हो रहा है बर्ड प्लैनेट से, बर्डमैन भी कॉल नहीं उठा रहे, कोई भी कॉल नहीं उठा रहा, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर और यहाँ की सिग्नल भी नहीं जा रहा बर्डमैन के पास, कुछ तो ख़तरनाक सीन हुआ रहेगा बर्ड प्लैनेट पे, हम लोग वहाँ पर जा भी नहीं सकते क्योंकि उसके लिए स्पेसशिप चाहिए। तो तभी रोबोट कहता है कि पाको तुम टेंशन मत लो, वैसे भी अभी इस रेट पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ना ही स्पेसशिप है ना ही किसी से कांटेक्ट हो रहा है, हमारे पास वेट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर बर्ड प्लैट पे चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे परमैंस वापस से बर्ड प्लैट पे पहुँच चुके थे, उनको परमैन नहीं मिलता, परमैन स्पेस में ही गायब हो चुका था। और जैसे सारे परमैंस बर्ड प्लैट पे पहुँचते तो तभी ब्लैक परमैन बर्डमैन से कहता है कि बर्डमैन आपने ये क्या किया, आपने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ की है अभी, और मुझे तो ये लग रहा है कि आप बर्डमैन नहीं हो सकते, आप कोई और ही हो। और सारे परमैंस भी यही बोलने लगते हैं ये बर्डमैन नहीं है, किसी ने तो बर्डमैन का रूप ले रखा है। तभी वो डुप्लीकेट बर्डमैन कहता है कि देखो तुम लोगों का अगर यकीन नहीं हो रहा है तो मेरा स्पेसशिप चेक कर लो, उसमें सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, और दूसरी बात ये सब कुछ मैंने बस बर्ड प्लैनेट को बचाने के लिए किया है। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि आपने ये सब कुछ बर्ड प्लैनेट बचाने के लिए किया है, अगर आप पुराने वाले बर्डमैन होते ना तो आप ऐसा नहीं बोलते, आप खुद ही बोलते बर्ड प्लैनेट को साइड में रखो, पहले परमैन को बचाओ, क्या हो गया है आपको? तो तभी डुप्लीकेट बर्डमैन कहता है कि देखो तुम सारे लोग,
टाइम के साथ साथ सारे लोग बदलते हैं और बर्ड प्लैट पे बुरा टाइम चल रहा है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तो तभी सारे परमेंस कहते हैं कि हाँ, ये तो आपने सही कहा। और एक्चुअली सारे परमेंस अग्री भी हो जाते हैं, लेकिन ब्लैक परमैन और इचिरो अग्री नहीं हुए थे इस बात से। तो तभी ब्लैक परमैन मन में ही कहता है कि अच्छा हुआ मैंने वो डिवाइस उसके केप में अटैच कर दिया है। यहाँ पर जितने भी चीज़ें हुई है परमैन को पता चल जाएगी। अभी पता नहीं वो कहाँ पर गया रहेगा, किस हालत पे रहेगा, हम उसे ढूंढ भी नहीं सकते। वो अकेला ही है जो कि इन सारी चीज़ों को ठीक करेगा। हमें इंतज़ार करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि ठीक है बर्डमैन, अगर आप ये सब कुछ बोल रहे हो तो सही रहेगा। तो तभी इचिरो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया अचानक से, तुम अब ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये तो गलत बात है। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि देखो इचिरो, हमें ये सब कुछ मानना पड़ेगा अभी के टाइम पे, क्योंकि बर्ड प्लैट का पहले से ही सीन ख़राब है। तो इसके बाद बर्डमैन सारे परमैन से कहता है कि जाओ अपना अपना काम करो। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन अपना अपना काम करने चले जाते हैं। और यहाँ पर वो डुप्लीकेट बर्डमैन उस आदमी से बोलता है कि चलो रिसर्च शुरू करते हैं, बर्ड प्लैट के सारे सीक्रेट्स बाहर निकालने हैं। अगर हीरो माने बराबर बोला है तो बर्ड प्लैट पे वो पोर्टल एग्जिस्ट करता होगा, पैरेलल यूनिवर्स पोर्टल। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ बर्ड हेडक्वार्टर्स के थोड़ा सा दूर एक लाइट चमकती है और वहाँ से एक आदमी की परछाई बाहर निकलती है। वहाँ पर एक अलग डायमेंशन से ही एक आदमी आ जाता है। तो तभी वो कहता है कि ओके, मतलब वो बच्चा अभी यहाँ पर नहीं है, उसको मैंने वो लॉकेट दिया था, अभी मुझे अपना काम शुरू करना पड़ेगा। बर्ड प्लैट पे अगर पैरेलल यूनिवर्स पोर्टल एग्जिस्ट करता है तो वो पोर्टल बराबर इस बर्ड प्लैट के बीच में रहेगा। मुझे जो चीज़ चाहिए वो पोर्टल के आसपास ही मिल सकती है। अगर वो हमला वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था तो यस, वो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, मुझे जल्दी से वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पेस में परमैन की स्पेसशिप बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी और वो स्पेस में खो जाती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमैन अभी भी अनकॉन्शियस था। और उस स्पेसशिप के पास में ही एक प्लैनेट भी था, जो प्लैनेट एक्चुअली अर्थ से सिमिलर था, उसके अंदर लाइफ थी, लेकिन वो प्लैनेट एकदम ही पास में नहीं था, वो कुछ किलोमीटर्स दूर था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन वहीं पर स्पेस में लेटा हुआ था, उसके बॉडी में कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन परमैन के अंदर जो पावर मौजूद है वो परमैन से बात करने की कोशिश करती है। वही डीमन जो कि परमैन के अंदर है वो परमैन से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके ठीक सामने परमैन लेटा हुआ था। परमैन के बॉडी के अंदर हम लोग देखते हैं कि परमैन की बॉडी अनकॉन्शियस पड़ी थी उस डीमन के सामने। तभी वो डीमन कहता है कि ए बच्चे उठ जाओ, ये तुम्हारे बॉडी के बाहर क्या हो रहा है और हम ये कहाँ पर आ गए, कुछ तो गड़बड़ है। बच्चे तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या, उठो। क्या हो गया इसको, शायद इसके बॉडी से ब्लड बहुत लॉस हुआ रहेगा उस टाइम पे। अब क्या करूँ मैं, ये सील भी नहीं तोड़ सकता मैं। वो बूढ़ा आदमी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उसने तो मुझे डबल सील कर दिया। क्या टेंशन है, मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी अभी तो। अगर ये मर गया तो मैं भी मर जाऊँगा, क्योंकि मुझे सील कर दिया है। अगर ये सील नहीं होता तो मैं कब का बाहर निकल चुका होता। कोई बात नहीं, इसको अभी थोड़ा सा पावर दे देता हूँ, जिसकी मदद से वो थोड़ा कॉन्शियसनेस के स्टेज में तो आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डीमन परमैन को थोड़ी सी पावर दे देता है, जिसके मदद से परमैन वापस से होश में आ जाता है। और तभी परमैन कहता है कि ये कहाँ पर आ गया मैं, ये तो एक स्पेसशिप है। तो तभी परमैन अपने चारों ओर देखता है और कहता है कि ये स्पेसशिप तो नहीं है, ये एक स्पेस कैप्सूल है, ये तो बस एस्केप रूट के लिए काम आता है, और मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को अपने बॉडी में पेन होता है, वो देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। तो तभी परमैन कहता है कि ये सब कब हुआ और ये मेरे बॉडी से इतना खून क्यों निकल रहा है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसी स्पेस कैप्सूल में एक फर्स्ट एड किट पड़ा हुआ रहता है। परमैन उस फर्स्ट एड किट को यूज़ कर लेता है, जितने भी एंटीसेप्टिक्स थे परमैन वो सारी चीज़ें अपने बॉडी के ऊपर लगा लेता है, जिसकी मदद से उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। तो वो सब कुछ होने के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अचानक से ही अपने माइंड के अंदर चले जाता है। वो देखता है कि उसके सामने वही डीमन खड़ा है। तो तभी वो डीमन कहता है कि उठ गए परमैन। तो तभी परमैन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए अब। तो तभी वो डीमन कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारे बॉडी से बाहर निकलना है। तो तभी परमैन कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक सेकेंड, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों।
तो तभी डीमन कहता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है बर्ड प्लैट पर क्या हुआ है। तो तभी परमैन कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है अभी, तो मैं तो एक मिशन के लिए गया था इतना मुझे बस याद है। तो तभी वो डीमन कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, सुनो अब बर्ड प्लैट कुछ टाइम में ख़त्म होने वाला है और तुम्हारे बॉडी में जितने भी इंजरीज हुए हैं वो सब कुछ बर्ड मैन ने किए हैं, समझ रहे हो क्या। तो तभी परमैन कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो तभी वो डीमन कहता है कि तुम अपनी आंखों से देखो। तो हम लोग देखते कि वो डीमन परमैन को हाथ लगाता है और उसे सब कुछ दिखा देता है जितने भी सारे सीन हुए थे बर्ड प्लैट पे। और वो सब कुछ देखने के बाद परमैन उस डीमन से कहता है कि तुम तो सब कुछ सच बोल रहे थे, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ और मैं इनके ऊपर हमला क्यों कर रहा हूँ। तो तभी वो डीमन कहता है कि देखो तुम्हें शायद कंट्रोल किया गया था और अभी तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए भेज दिया है, हम लोग पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि इसका फ्यूल भी ख़त्म हो चुका है। तो तभी परमैन कहता है कि लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो तभी वो डीमन कहता है कि उन सारी चीज़ों का भी छोड़ो, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊँगा, इस स्पेसशिप से बाहर झाँक के देखो। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन इस स्पेसशिप से बाहर देखता है वो देखता है कि उसके चारों तरफ एक एम्प्टी स्पेस था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो तभी परमैन कहता है कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो तभी वो डीमन कहता है कि अब पता चला तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए क्यों भेजा है। तो तभी परमैन कहता है कि अरे हाँ यहाँ से हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे। तो तभी वो डीमन कहता है कि ज़रा बराबर देखो, कुछ किलोमीटर दूर एक प्लैनेट है लेकिन ये नहीं पता कि उस प्लैनेट पर लाइफ है या फिर नहीं, वहाँ पर जाके ही पता चलेगा। तो तभी परमैन कहता है कि लेकिन हम लोग वहाँ पर जाएंगे कैसे और मेरा हेलमेट किधर है। तो तभी वो डीमन कहता है कि तुम्हारा हेलमेट बर्डमैन ने ले लिया है, उसमें कुछ तो एक सीक्रेट चीज़ है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो तभी परमैन कहता है कि फिर हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, मैं तो सांस भी नहीं ले पाऊँगा। तो तभी वो डीमन कहता है कि उसकी चिंता मत करो तुम, मेरी पावर से मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दे दूँगा, उस प्लैट पर हम लोग कुछ भी करके पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके आगे तुम्हें ही सब कुछ करना है। मैं अगर सब कुछ गेस करूँ तो हमें इस प्लैनेट पे बहुत साल गुजारने पड़ सकते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं बर्ड प्लैनेट से और वापस जाने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, बस तुम ही हमें वापस लेके जा सकते हो और वापस कैसे जाना है वो बस तुम ही ढूंढ सकते हो। बच्चे तैयार हो जाओ अपने 4 से 5 साल रास्ता ढूंढने के लिए वापस बर्ड प्लैनेट पहुँचने का। और हाँ एक और चीज़ तुम्हें बोलूँ, बर्ड प्लैनेट को बस तुम ही बचा सकते हो। मैंने ये बस सुना था ब्लैक परमैन से जब वो तुम्हारे वोट्स को ठीक कर रहा था। हेलो, आई होप कि गाइस आप सभी लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ गाइस आप सभी लोगों से एक बात करनी थी, ठीक है, तो वीडियो को यार स्किप मत करना, ठीक है, लास्ट तक जरूर देखना। गाइस द एयर ऑफ परमैन अभी एंड होने वाला है जल्दी, इसके थोड़े पार एपिसोड के अंदर ये सीरीज खत्म होने वाली है और यही मेरी एग्जैक्टली फर्स्ट और लास्ट सीरीज थी फैन मेड। इसके बाद शायद ही आपको कौन सी अलग फैन मेड सीरीज देखने को मिलेगी इस चैनल पे, क्योंकि यार देखो परमैन एक ऐसा नॉस्टैल्जिक एनिमे बन चुका है, मतलब जब भी हम टीवी के ऊपर देखते हैं उसे तो मजा आता है, एकदम ऐसा फ्री फील कराता है वो एनिमे। अभी के टाइम पे वो टीवी के ऊपर अभी कम ही दिखाई देता है, ज्यादातर दिखाई नहीं देता, उसका ऑफिशियल एंड भी हो चुका है। ऑफिशियल मतलब मांगा के अंदर जो उसका लास्ट चैप्टर है वो परमैन पृथ्वी छोड़ के चले जाता है, बस उधर तक ही दिखाया गया। उसके बाद डोरेमोन के अंदर हमें वो एक सीन दिखाया गया था कोलैबोरेशन वाला, सुमेरे और फिर वही नोबिता का कोलैबोरेशन था, उसके ऊपर दिखाया गया था सब कुछ। भाई अभी तक परमैन वापस लौटा नहीं है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं हुआ है, बस उधर तक ही खत्म हो चुका है। और भाई उसके आगे बहुत सारे फैन मेड सीरीज ही बन चुके हैं देखा जाए तो। कुछ टाइम पहले आप सभी लोगों को पता होगा भाई बहुत सारे लोगों ने फैन मेड सीरीज बनाना बंद कर दिया था, और इसका रीजन पता है क्या है, फैन मेड सीरीज ही लोग ज्यादा देख रहे हैं, टीवी के ऊपर कोई परमैन नहीं देख रहा है, समझ रहे हो ना। अभी फैन मेड सीरीज से लोग देख रहे हैं तो भाई कंपनी पूरा यूट्यूब के ऊपर टारगेट करेगी कि भाई कुछ अलग सीन चल रहा है क्या, कोई इसके ऊपर डुप्लीकेट स्टोरीज बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। और हाँ फैन मेड सीरीज तो भाई फैन मेड सीरीज है, वो थोड़ी रियल होने वाली है, उधर ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। दैट्स इट भाई, कि टीवी के ऊपर ये सीरीज बंद ना हो इसलिए भाई लोगों ने फैन मेड सीरीज बनाना एक्चुअली बंद किया था, समझ रहे हो ना। यही कि गाइस यही मेरी एक फर्स्ट फैनमेड सीरीज है और यही मेरी लास्ट फैनमेड सीरीज भी, इसके बाद शायद ही आपको कुछ फैनमेड सीरीज देखने को मिलेगी इस चैनल पे। तो यार इसके बाद आपको इस चैनल पे ज़्यादातर भाई एनिमे के न्यूज़ और अपडेट्स ही देखने को मिलेंगे और कुछ एनिमे के रिव्यूज भी देखने को मिलेंगे। और आपको क्या चाहिए एनिमे रिलेटेड भाई कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादातर वीडियोस आ जाएंगी, फैक्ट्स के ऊपर भी आ जाएंगे वीडियोस। थोड़ा फार ऐसा चैनल का भी सीन हो जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि भाई
परमैन की फैन मेड सीरीज या फिर कुछ ऐसे सीन की वजह से बहुत सारे लोगों का चैनल पे दिक्कत आ गई थी, आप सभी लोगों को पता होगा है कि नहीं। तो यही भी बात है, ये भी बात है, देखा जाए तो फैन मेड सीरीज भी खत्म होने को आई है, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी, इसका अच्छे से एंडिंग भी हो जाएगा और फिर बाद में सोचेंगे अगर इन फ्यूचर का भी फैन मेड सीरीज बनाना है तो। लेकिन भाई ज्यादातर आपको इस चैनल पे अभी एनीमे के न्यूज और अपडेट्स, फिर उसके बाद एनीमे के रिव्यूज, थोड़े एनीमे के फैक्ट्स, बहुत ऐसे ऐसे अलग अलग और अमेजिंग कंटेंट भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना यार आपको वीडियो कैसा लगा ये वाला फैन मेड सीरीज का। आई होप सो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी से यार, हमें जल्दी से 100 के तक पहुंचना है, जल्दी से जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।